प्रधानमंत्री के बारे में बोलने के आप कैसे चोर कैसे बोल रहे हैं? आप चोर कैसे बोले? बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? इसमें चोर कैसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में क्षमता है आपको? कौन बोला प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री के बारे में बोले कौन बोला? ठीक है, आप वीडियो वहाँ जब मतलब वहाँ जाके भेज दीजिए प्रधानमंत्री, आप भेज दीजिए वहाँ पर। नई सीट बेचेंगे इन्होंने बोला आप कि जब प्रधानमंत्री बेच रहा है तो हमने आप बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? हमने ये बताया आपसे पूछा है कौन स्टाफ है यहाँ? टीटी मैं हूँ आज, बिना टिकट यात्रा कौन स्टाफ से पूछे? कौन स्टाफ है? अटेंडेंट इसका मतलब होता है? अटेंडेंट इसका होता है आपका स्टाफ, और हमने बोला तो बोला कि हैं बड़ा बाबू आ रहे हैं, हमने बोला कि आप क्या बोलेंगे? 23 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, मैं बिना टिकट जाऊंगा इसमें, जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए। आपने बोला है ना टिप कर रहे हैं, टिप कर लीजिए, आप बुलाए ना कि जिसको बुलाना बुला लीजिए, टिप कर लीजिए। आप क्या आप कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए? कुछ भी कैसे बोल देंगे? कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए। आप जैसे कुछ भी बोल रहे हैं ना कि इस तरह प्रधानमंत्री को बोला, उस तरह से मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ ना। आपका वीडियो है उसमें, ठीक है वीडियो दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए, वीडियो मतलब भेजिए, वीडियो भेजिए, उसमें वीडियो है आपका। ठीक है ठीक है ठीक है ना। आप कैसे बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास में साथ में है हमारे, ये टिकट ये बिना टिकट लेकर चलने के लिए इनकी अथॉरिटी है? इनकी बिना टिकट लेकर के चलने की ट्रेन में फर्स्ट क्लास में अथॉरिटी है? ये आदमी इनके अटेंडेंट के रूप में चल सकता है? कौन चल सकता है? कहाँ नियम है उसमें कौन सा नियम है? अरे नियम तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ इतना कौन सा लिखा हुआ है? सुने उनसे क्या बात कर रहे हैं भाई? हमसे बात कीजिए ना, हाँ फिर से बात कर रहा हूँ। आपकी क्या अथॉरिटी है दिखाइए ना, आप जो मतलब कौन सा नियम है, आप जो मतलब कौन सा है जो मतलब क्या है आप जो एनआरसी का आई कार्ड दिखाइए? एनआरसी का आई कार्ड हमारे पास आज नहीं, बिना टिकट है जो कैसे चल रहे हैं यात्रा कर रहे हैं? आज मेरे पास कार्ड नहीं है, आप पता कर लीजिए आरपीएफ इंस्पेक्टर चाहे बक्सर या आरा के किसी अधिकारी से बात कर लीजिए या हाजीपुर या पटना। बिना टिकट आपको चलने के लिए कौन अधिकारी बिना टिकट चलने के लिए बोले हैं आपको बताइए ना? बिना टिकट लीजिए, बिना टिकट चलने के लिए कौन अधिकारी बोले हैं? क्या बिना टिकट कौन अधिकारी चलने के लिए आप बिना टिकट नहीं बोल रहे हैं? तो बिना टिकट कोई बोलता है तो इसमें फर्स्ट क्लास में, ऐसी फर्स्ट क्लास में कैसे बैठे हुए आप? धक्का दे रहे हैं मुझे, धक्का दे रहे हैं, धक्का मुक्का या फिर जब मुझे ऑन ड्यूटी टीटी को धक्का दे रहे हैं? धक्का आपको दिए हैं? हाँ तो दिए हैं, धक्का दिए हैं। हाँ मेरे को धक्का दिए हैं आप? अच्छा मैं आरपीएफ को कॉल किया हूँ, धक्का देकर मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ आपके धक्का के बाद, मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ, मैं आपको कॉल किया हूँ, मुझे सुनिए। ठीक है आपने कहा ना कि धक्का दिए हैं, आप जिसको भेजना है मैसेज आपको देना है, आप मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, इतना फॉल्स आप ब्लेम लगा रहे हैं। आप जिसको भेजना है मैसेज भेज दीजिए और मैं इस गाड़ी से इस कोच से नहीं निकलूंगा, नहीं निकलेगा, आप भेज दीजिए। ठीक नहीं आप जाऊंगे, मैं हैंडी को मेमो देता हूँ, आप अशाप है, मैं हैंडी को मेमो देता हूँ, आप बताइए। ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये धमकी देता हूँ ड्यूटी टीम के साथ में, धक्का मुक्की जो कर रहे हैं, ऐसी फर्स्ट क्लास में बिना टिकट है जो मतलब ये लड़का जो मतलब धक्का दे रहा है, देखिए ये लड़का है जो मुझे अब उस लड़के को ये है जो मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, बैठिए आप बैठिए, मैं टिकट चेक करने के लिए आया हूं, बैठिए बात समझ लीजिए, हम मेंबर हैं और चल रहे हैं बक्सर जाना है, बक्सर जाना है, लेकिन आपने जो व्यवहार किया वो एक सामाजिक, आप कह रहे हैं कि सामाजिक हम भी क्षेत्र में रहे हैं राजनीति किए हैं, हाँ? एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ और सामाजिक व्यक्ति के साथ आप तो बोल रहे हैं कि बक्सर में हमारा भाई सीआईटी है, बिल्कुल रमेश चंद्र सिंह पता कर, हाँ तो रमेश चंद्र सिंह साहब जो मतलब हमारा नाम है जो जानते हैं आप, आज पूछ लीजिए रमेश चंद्र सिंह लगाइए, आपको कौन है बिना टिकट चलने के लिए बोल रहे हैं? पता कर लीजिए रमेश चंद्र सिंह को, फोन कर लीजिए, मैं जानता हूँ रमेश चंद्र सिंह को, हाँ तो फोन कर लीजिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको बिना टिकट चलने के लिए कौन कहा ये पहले बताइए ना। हम रमेश चंद्र सिंह को नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, लेकिन हमारे आप धमकी कैसे दे रहे हैं? आपके जैसे वो भी आप धमकी कैसे दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं टीटी को कैसे दे रहे हैं? ऑन ड्यूटी टीटी को धमकी कैसे आप दे रहे हैं? हम धमकी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? बिना टिकट यात्रा इसमें कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्लास में आके बैठ गए, आपको बाहर जाने के लिए बोले कि दूसरे कोच में आप उधर चले जाइए, तो आपने जो मुझे धमकी दिया और जो धक्का मुक्के जो मतलब मुझे दिया, सुनिए आपको कह रहे हैं ना कि आपको जो टेप करना है और जो सुनाना है ठीक है ना, आपने जो व्यवहार किया और हमने आपके साथ धक्का मुक्की किया, ये बताएगा कोई स्टाफ लड़का? हाँ जरूर बताएगा, बाहर का लड़का बताएगा, नहीं तो गवाह यहाँ पर है जो मतलब दो गो आप थे यार, मतलब मैं तीसरा आदमी मैं हूँ, करूंगा और गवाह बनाऊंगा 100% आप केस कीजिए, केस करूंगा और गवाह बनाऊंगा एकदम है 100% केस कीजिए आपके साथ, और मैं भी आपको केस करूंगा, हाँ केस करिएगा आप, केस कीजिए, केस कर दीजिए आप, पहले केस कीजिए ना, हम केस करेंगे आप कीजिए केस, अपना नाम बता दीजिए और मेरा भी नाम लिखिए, मेरा सारा नाम है जो इसमें सारा रिकॉर्ड है सारा जी हमारा जो अधिकारी साहब पूछ लीजिए आप अपना नाम, मैं आज निकलवा लूंगा, मैं हैंडी को मेमो देता हूँ, मेरा लिख लीजिए राणा प्रताप सिंह मेजर ग्राम पोस्ट सब लिख दीजिए, हाँ ग्राम पोस्ट बताइए इसमें, ग्राम पोस्ट लिख लीजिए, बोलिए ना इसे बोलिए क्या ग्राम पोस्ट आप बताइए, क्या बोला नोट कर लीजिए आप बताइए ना, नोट हो रहा है बताइए ना आप बताइए, अरे वीडियो क्या करके हम, अरे आप आज मतलब केस करने की धमकी दे रहे हैं बताइए ना क्या ग्राम पोस्ट करेंगे, बिल्कुल आप बताइए ना राम प्रताप सिंह का नाम ग्राम पोस्ट बताइए ना, बक्सर और बताइए ना ग्राम कहाँ है पोस्ट कहाँ है, बक्सर है, बक्सर है कौन मोहल्ला है, वार्ड नंबर क्या है जरा वो भी बताइए,
मैं देखूं क्या वार्ड नंबर बता दें आपको, क्या वार्ड नंबर बताएं आपको, क्या वार्ड नंबर बता दें आपको बताइए, जो आप पूछ रहे हैं कि नोट कर लीजिए। आप अपना क्यों नहीं बता रहे हैं, आप बताइए ना, मतलब यहाँ आप बता रहे हैं ना, आप अपना बताइए सर, आप केस कर दीजिए ना, सारा पता चल जाएगा, मेरा नाम बता दें, एड्रेस आप अपना बता दीजिए, कोई बात नहीं।